हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 8th चैप्टर कर रहे हैं और आज हम एनसीईआरटी के कुछ आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.7। निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी बराबर 510 NT है। एनटी मतलब नैनो टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमारा यह है आंसर 8.7 का। हमें दिया है बी जीरो का मान, हमें दिया है 510 नैनो टेस्ला, यानी कि 510 गुणा 10 की घात -9 टेस्ला। और हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, यानी कि हमें ई जीरो ज्ञात करना है। अब हम सूत्र जानते हैं, चूंकि ई जीरो बटे बी जीरो बराबर होता है सी, जहां सी होती है प्रकाश की चाल, और हम जानते हैं प्रकाश की चाल सी बराबर होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ई जीरो का मान याद करना है, तो हम लिख सकते हैं ई जीरो बराबर सी गुणा बी जीरो के बराबर होगा। सी का मान हमें पता है 3 × 10 की घात 8 गुणा बी जीरो का मान हमें पता है 510 × 10 की घात -9। तो कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5, 3 से काटेंगे 0, 3 एकम 3, और 3 5 15, और 7 में आ गया 10 की घात 8 - 9। तो यानी कि कितना आ गया? ये आ गया 1। इसको यदि इस प्रकार से लिखें 1.530, तो ये हो गया गुणा 10 की घात 3, और 7 में 10 की घात -1, ये वाला आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 1.53 × 10 की घात 2, और ये हमारा क्या आ गया? ई जीरो का मान आ गया, का मात्रा हो गया वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8.7 को हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.8, इसे सॉल्व करेंगे। इसके अनुसार कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, तो हमें क्या दे दिया? ई जीरो का मान दे दिया 120 न्यूटन पर कूलम, तथा इसकी आवृत्ति, हमें आवृत्ति भी दे दी उस वैद्युत चुंबकीय तरंग की, यह है 50 MHz, यानी कि सीधे 10 की घात 6 हर्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 50 MHz यानी कि 50 × 10 की घात 6 हर्ट्स के बराबर। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है बी जीरो। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ए पार्ट हम कर रहे हैं, बी जीरो ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं ई जीरो बटे बी जीरो बराबर हमारा होता है सी के, तो बी जीरो का मान निकालें, तो बी जीरो बराबर हो जाएगा ई जीरो बटे सी। तो बी जीरो बराबर ई जीरो का मान हमें पता है 120 बटे सी का मान 3 × 10 की घात 8, तो 3 से काटेंगे 3 × 6 = 12, यानी कि हो गया 40। तो यह हमारा निकल के आ गया 40 × 10 की घात 8। तो यह ऊपर की ओर जाके -8 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। तो यदि हम इसमें 10 के ऊपर गुणा कर दें, 10 का भाग कर दें, तो लिख दें 10 के ऊपर गुणा और 10 का भाग, तो ये हमारा हो जाएगा 40 की 10 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? 400। और 10 की ये 10 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 में क्या हो जाएगा? 10 की घात -9। और बी जीरो का हमारा जो मान निकल के आएगा, ये बराबर हो जाएगा 400 नैनो टेस्ला। यानी कि हमने ये जो 10 का भाग दिया है, इसको नैनो टेस्ला में बदलने के लिए भाग दिया है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को नैनो टेस्ला में प्रदर्शित करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में। तो आप चाहें तो इसे वैसे भी 10 की घात, ये जैसे हमने यहां लिखा था 40 × 10 की घात -8 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें टेस्ला लिख करके। तो अब सेकेंड हमने ए का बी जीरो मान निकाल लिया, दूसरा हमें निकालना है डब्लू। तो डब्लू का मान हमें ज्ञात करना है, और ओमेगा बराबर होता है 2π𝑣 के, तो वैल्यू रखेंगे तो 2 × π का मान 3.14 ×𝑣, न्यू हो गई आवृत्ति, आवृत्ति हमें दी 50 × 10 की घात 6, 50 × 10 की घात 6, तो मान रखें तो 5 × 2 ये हो गया 10, तो लिख सकते हैं 100 × 3.14 × 10 की घात 6। तो 100 की इसमें गुणा करेंगे तो सीधे ये 314 × 10 की घात 6 आ जाएगा, और ये हमारी होता है रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा ओमेगा का मान आ गया। आप चाहें तो इसको
दस की घात इधर लाकर के 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो ये हमारा ओमेगा का मान आ गया। अब हमें निकालना के, चूंकि हम जानते हैं चूंकि के इंटू ई जीरो बराबर होता है बी जीरो इंटू ओमेगा के, तो लिख सकते हैं के बराबर हो जाएगा बी जीरो बटे ई जीरो इंटू ओमेगा। और बी जीरो बटे ई जीरो, क्योंकि ई जीरो बटे बी जीरो क्या होता है, ये ई जीरो बटे बी जीरो तो सी के बराबर होता है, तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन सी। तो वैल्यू पुट करें, ओमेगा की वैल्यू हमारी है 3.14 × 10⁸ बटे सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, तो 1.05 के लगभग आएगा। और साथ में हारा हमारा ये आ जाएगा रेडियन पर मीटर। अब हम के की वैल्यू हमने निकाल दी, अब हमें निकालनी है के बाद लैम्डा का मान। और लैम्डा हम जानते हैं, चूंकि लैम्डा तो हमें ज्ञात करना है, और हम जानते हैं चूंकि सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा के, जहां सी प्रकाश की चाल, न्यू तरंग की आवृत्ति, लैम्डा तरंग धैर्य के बराबर होता है। तो लैम्डा बराबर यहां से निकल गया, लैम्डा बराबर हो गया सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू रखें 3 × 10⁸ बटे न्यू की वैल्यू हमें पता है ये 50 × 10⁶, तो लिखेंगे 50 × 10⁶। 10⁶ से 8 काटेंगे तो ये 2 बार बच जाएगा, तो ये ऊपर गया 3 × 10⁶। 10⁶ यानी कि 100, तो ये हो गया 300/50। 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, तो इसका मान आ गया 6 मीटर, यानी कि तरंग धैर्य का मान भी हमारा 6 मीटर आ गया। तो हमारे बी जीरो ओमेगा के लैम्डा ये सब मान ज्ञात हो गए। अब हमें बी पार्ट करना है, ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम जानते हैं, तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ई का जो हमारा व्यंजक होगा, ई का सूत्र हमारा होता है ई बराबर ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये ई बराबर ई जीरो की वैल्यू कितनी है, हम जानते हैं 120 है, तो लिख लेंगे ई जीरो की जगह लिख लेंगे 120। साथ में आ गया साइन के की वैल्यू कितनी है, हम जानते हैं के की वैल्यू है 1.05, तो ये आ गया 1.05। साथ में आ गया एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3.14 × 10⁸, तो 3.14 × 10⁸, और साथ में हमारा क्या आ गया ओमेगा के पीछे टी, ये हो गया। तो ये हमारा ई का व्यंजक आ गया। अब बी का व्यंजक प्राप्त करें, तो बी का व्यंजक भी सेम ऐसी फार्मूला होता है, बी बराबर बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वैल्यू रखेंगे तो बी बराबर बी जीरो की वैल्यू कितनी है, बी जीरो 400 नैनो टेस्ला, तो इसे लिख सकते हैं 400 × 10⁹, तो ये हमारा आ गया। साथ में आ गया साइन के की वैल्यू, बाकी सब ऊपर की तरह 1.05, एक्स माइनस ओमेगा का मान 3.14 × 10⁸ कितना आ गया 8, और साथ में क्या आ गया टी। तो इस प्रकार से हम इनके क्या कर सकते हैं, व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा टी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.9। इसके अनुसार वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषा पाठ्यपुस्तक में दी गई है। पाठ्यपुस्तक में जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषा दी गई है, गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, इन सब की परिभाषाएं क्या रही दी गई हैं, और सूत्र एच ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखिए ये जो सूत्र है हमारा, ये ई बराबर होता है एच और ये होता है हमारा न्यू। तो एच तो होता है, हम कहते हैं इसे प्लांक कॉन्स्टेंट, और न्यू होती है किसी तरंग की आवृत्ति, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। और यह जो हमारा विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए, फोटोन के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आगे के चैप्टर्स में इसमें काफ़ी डिटेल में आएगा कि किस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण को बारे में अपनी चर्चा करी, तो वहां पर ये फोटोन की एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसने यहाँ दिया है एक फोटोन की ऊर्जा ई इज इक्वल टू एच न्यू है का उपयोग कीजिए तथा ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए ईवी का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में
फोटोन की ऊर्जा निकालिए। दरअसल यह जो है E इज इक्वल टू एच न्यू जो है, इसमें मात्रक जो हमारा है वो है जूल, और वह कह रहा है आपको इस मात्रक को परिवर्तित करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और साथ में क्या कह रहा है, फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, वर्णक्रम के विभिन्न भागों के फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। और फोटोन ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वे वैद्युत चुंबकीय किरण के स्रोत से किस प्रकार से संबंधित है, कि जो भी परिमाण आएंगे आप कैसे बताएंगे कि यहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो देखा जाए एक प्रकार से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो इसको हमें करना है। तो हमने यहाँ पर पहले से ही जो विभिन्न प्रकार की हमारी तरंगें थी उनके हमने यहाँ तरंग धैर्य लिख ली है, क्योंकि ये मीटर में दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, तरंग धैर्य है। ये किसके बराबर है, ये सब लैम्डा के बराबर है। और ये जो है ये तरंग धैर्य माध्य तरंग धैर्य है, क्योंकि जो तरंगे हैं गामा एक्स किरण इनका तो एक परास होता है ना, तो यह जो हमने तरंगे यहां ली हैं तरंग धैर्य इन तरंगों की, यह हमने माध्य तरंग धैर्य ले ली। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन तरंगों के हिसाब से विभिन्न वर्णक्रम के भागों के लिए फोटोन की, एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। तो हम जानते हैं E बराबर होता है एच न्यू, और यह मात्रक हमारा किसमें होता है, जूल में। हमने तो निकाली है तरंग धैर्य, आप चाहते तो सीधे न्यू का मान भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और हमने एक प्रकार से तरंगे ले ली, प्रत्येक तरंग परास की एक माध्य तरंग धैर्य ले ली है, तो हम पहले इसे तरंग धैर्य में परिवर्तित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है, जहां सी प्रकाश की चाल, न्यू प्रकाश की आवृत्ति, और लैम्डा क्या होती है, प्रकाश की तरंग धैर्य। तो यहां से यदि न्यू का मान निकालें तो यहां से हमारा न्यू आ जाता है, न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू का ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो यह आ जाएगा ई इज इक्वल टू, साथ में जगह एच, और न्यू का मान आ गया सी अपॉन लैम्डा। अब सी अपॉन लैम्डा जो हमारा ये मान आया है यह फिर से किसमें आया है, जूल में। यह क्या कह रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कब होता है, वोल्ट तो आप जानते हैं तब आता है, वोल्ट विभव का मात्रक है, और विभव की परिभाषा होता है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव का अर्थ हो गया कि ऊर्जा को आवेश से भाग देते, और यहां किस आवेश से भाग दे रहे हैं, हम कहते हैं कि यदि इसको एच सी अपॉन लैम्डा को हम भाग दे दें एक इलेक्ट्रॉन से, तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर तो है जूल और नीचे हमारा क्या आ गया, कूलाम, और जूल बटे कूलाम हमारा किसके बराबर हो जाता है, वोल्ट के बराबर होता है, और चूंकि यह नीचे एक इलेक्ट्रॉन से भाग दिया है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इलेक्ट्रॉन न होता, हम एक आवेश ले लेते, हमने कहा एक कूलाम के आवेश से भाग दे दिया जाए, तो इसका मात्रक बन जाता जूल बटे कूलाम और मात्रक हो जाता वोल्ट। लेकिन चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है उससे भाग दे दिया है इसलिए इस जो हमारा ये बनता है इसका मात्रक वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा ऊर्जा का मात्रक आ गया। अब हम अलग अलग तरंग धैर्यों के लिए, अलग अलग परास के लिए जब एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे तो पहले हमारे लिए इजी ये है कि पहले हम इसी का मान कैलकुलेट कर लें, क्योंकि लैम्डा का मान तो अलग अलग होगा लेकिन इन सब का मान तो सेम का सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ये होता है हमारा एच प्लैंक कांस्टेंट, और इसका जो मान हमारा होता है वो होता है 6.62 मल्टीप्लाई 10^-34, और साथ में होता है ये जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ये हमारे कांस्टेंट का मान होता है। सी का मान आप जानते हैं, सी बराबर होता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड। ई हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी आप जानते हैं, 1.6×10^-19 कूलाम। यह सब मान यदि इसमें रख दिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो मान रखते हैं ये हमारा हो जाएगा ई बराबर, एच का मान 6.62×10^34 6.62×10^-34, और साथ में है सी, सी का मान 3×10^8 बटे,
और नीचे की ओर हमारा क्या आ गया, एक तो आ गया लैम्डा, एक आ गया ई। तो हम ई का मान लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और साथ में हमारा क्या आ गया लैम्डा। जब इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं तो इन सब को कैलकुलेट करके जो हमारा मान निकल के आता है वो 1.241 × 10⁻¹⁸ और बटे हमारा आता है लैम्डा, और यह हमारा किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। तो इन सब को कैलकुलेट करके हमारा मान इतना आ गया। अब यह लैम्डा कौन सा है कि हम जो भी तरंग लेंगे उस तरंग का मान यदि यहां निकलेंगे लिख देंगे तो उस जो हमारा परास है वो जो तरंगे हैं उसके एक फोटोन की ऊर्जा हमें निकल जाएगी। अलग अलग तरंगों के जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती है क्योंकि उनकी आवृत्तियां अलग अलग होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो हम यहां पर जब मान रखेंगे लैम्डा का मान तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं गामा के लिए, गामा तरंग दैर्ध्य के लिए, गामा के लिए, क्योंकि लैम्डा का मान हमने कहा कितना है 10⁻¹² मीटर। यह मान इस समीकरण में रखेंगे तो यह आ जाएगा E = 1.241 × 10⁻¹⁸ / 10⁻¹² तो 10⁻¹² ऊपर की ओर जाएगा तो यह हो जाएगा 1.241 × 10⁻¹⁸ और 12 ऊपर जाकर के हमने कहा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 1.241 × 10⁻¹⁴ कितना हो जाएगा 4। तो आप इसे चाहे 10⁻¹⁴ लिखिए, चाहे आप लिखिए कि यह लगभग किसके बराबर होगा 10⁻¹⁴, और चूंकि यह किस में चल रहा है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यह हमारे क्या है, गामा तरंगे का एक फोटोन की ऊर्जा हमारी निकल गई। इसी प्रकार हम यदि निकाले एक्स किरणों की तो एक्स किरण आ जाएगा, एक्स किरण के लिए हमने कहा लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान आप जानते हैं 10⁻¹⁹ मीटर, ये लिखा है एक्स किरण के लिए 10⁻¹⁹ मीटर। ये सब इन इन तरंगों की माध्य तरंग दैर्ध्य हैं ये सब। तो इसका मान इस समीकरण में दोबारे रखें तो एक्स किरणों की एक फोटोन की ऊर्जा निकलेगी E बराबर 1.24 × 241 × 10⁻¹⁸ बटे इस लैम्डा का मान कितना है 10⁻¹⁹ तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1.241 × 10⁻¹⁸ + 9 के बराबर हो जाएगा, और यह हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यह लगभग आ जाएगा 1.241 × 10, तो 10 की इसमें गुणा करेंगे तो लगभग ये भी किसके बराबर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, या आप एग्जैक्ट इससे गुणा करना चाहें तो उतना ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा यह मान क्या है, यह मान क्या है, माध्य मान है। तो ये जो जिस फोटोन की ऊर्जा निकलेगी वह भी माध्य फोटोन की ऊर्जा निकलेगी, जो फोटोन की जो ऊर्जा निकल रही है वो उस परास के फोटोन की माध्य ऊर्जा निकल रही है, तो यह ऊर्जा इसके बराबर होगी। इसके बाद पराबैंगनियों का निकालें तो पराबैंगनी का हम लिख सकते हैं, पराबैंगनी के लिए लैम्डा का मान कितना दिया है 10⁻¹⁸ मीटर, तो इसका मान फिर से रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1.241 × 10⁻¹⁸ बटे कितना आ जाएगा 10⁻¹⁸, तो 10⁻¹⁸ से 10⁻¹⁸ तो ये लगभग आया 1.241, और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद परदृश्य प्रकाश के लिए निकालें तो ये हो गया दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के लिए लैम्डा का जो मान है वो है 10⁻¹⁶ मीटर, यह मान रखें तो E बराबर 1.241 × 10⁻¹⁸ बटे लैम्डा का मान कहाँ रखना है, हर में रखना है, लैम्डा नीचे, तो यह गया 10⁻¹⁶, तो यह गया 1.241 × 10⁻¹⁸ + 6, तो यह गया 1.24 × 10⁻¹⁪, तो लगभग ये किसके बराबर हो गया 10⁻¹⁪ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया, तो दृश्य प्रकाश की भी निकल गई। इसी प्रकार सूक्ष्म तरंगों की निकालें तो लिख सकते हैं सूक्ष्म तरंगों की यदि निकालें तो सूक्ष्म तरंगों की हमारी है लैम्डा का मान है 10⁻¹⁪ मीटर के बराबर है, तो E बराबर आ गया 1.241 × 10⁻¹⁸
बटे लैम्बडा का मान आ गया 10^-2, तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो गया 1.241 × 10^-8 +2, तो यह लगभग आएगा 1.241 × 10^-8 से +2 कटेगा तो ये हो गया -6, यानी कि लगभग जो ऊर्जा निकल के आई वो 10^-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि रेडियो तरंगों की निकालें तो लिखते हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों के लिए हम जानते हैं लैम्डा का मान है 10^3, तो मान देखें ऊपर की ओर हमारा है, एनर्जी का मान निकालें एक फोटोन की, तो 1.241 × 10^-8 बटे नीचे हमारा है 10^3, ये लैम्डा का मान है। इसी वाले सूत्र को लगा रहे हैं हम बार बार। आप देखिए ई बराबर 1.241 × 10^-8, बस नीचे आपको लैम्डा का मान रखते जाना है। इस बार लैम्डा का मान कितना है 10^3, तो वो रखा हमने रेडियो तरंगों के लिए, तो ई का मान हमारा निकल के आ गया 1.241 × 10^-8 और ये ऊपर जाके हो जाएगा -3, तो ये हो गया 1.241 × 10^-8 = 11, तो ये लगभग हमारी किसके बराबर आ गई, ये बराबर आया 1.241 × 10^-11 और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं लगभग 10^-11 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम विभिन्न तरंगों के जो फोटोन हैं, विभिन्न तरंग परासों के जो फोटोन की जो माध्य ऊर्जा है वो हमने ज्ञात कर ली। तो अब साथ में अगला प्रश्न ही पूछ रहे हैं, प्रश्न का अगला हिस्सा है कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत से किस प्रकार से संबंधित है ये जो फोटोन की ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी ये गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें नाभिक के संक्रमण से उत्पन्न होती है। जो हमारी एक्स किरणें हम कहते हैं पराबैंगनी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो दृश्य प्रकाश यह क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से उत्पन्न होती है। के संक्रमण से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण का अर्थ है जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूद लगाता है तो वो अपने निम्न से ऊपर में जाएगा तो शक्ति को ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और यदि उच्च से निम्न स्तर में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, दृश्य प्रकाश हमारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.10। इसके अनुसार एक समतल ई एम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग में जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र की इन्होंने आवृत्ति दे दी, तो क्या क्या दे दिया हमारे को, आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं ये दे दी हमें 2.0 × 10^10 हर्ट्ज तथा 48 वोल्ट पर मीटर, ये हमें क्या दे दिया, आयाम। तो आयाम को भी हम जानते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, तो E0 से प्रदर्शित करेंगे और ये हमें दे दिया 48 वोल्ट पर मीटर। आयाम से जया वक्री रूप से दोलन करता है, जया वक्री मतलब साइन वेव जो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, साइन वेव होती है इस प्रकार की, यानी कि यह इसका परिमाण लगातार बदल रहा है, जैसे साइन के कोण का मान बदलता है 0 से लेकर के हम कहते हैं 180 और 360 में, जैसे जैसे मान बदलता है वैसे वैसे यहां पर वक्र का भी मान बदलता है, इसलिए इसको जया वक्र कहा जाता है। तो जया वक्री रूप से दोलन करता है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये जो हमारी तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो हम तरंग दैर्ध्य जानते हैं, सालते हैं, हमें क्या दे रखा है, सी का मान दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं सी का मान दिया है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें निकालनी है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य हमें जानते हैं चूंकि सूत्र होता है हमारे पास सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है, जहां सी हम जानते हैं तरंग की चाल जो कि
प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उन सबकी चाल यही होती है, चाहे आपको दिया हो चाहे न दिया हो, यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी तो उनकी चाल आपको यही लेनी है। न्यू न्यू दे दी आवृत्ति, आवृत्ति का मान हमें दे दिया है, तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या कैसे करेंगे, लैम्डा हमें ज्ञात करना है। यहां से हमारा आ गया लैम्डा इजिकल टू सी अपॉन न्यू, सी का मान है 3×10^8 बटे, न्यू का मान है 2.0×10^10। तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 से तो कट जाएगा 1.5 बार, 10^10 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया 10^8 - 10, तो ये हो गया 1.5×10^-2। और हम क्या निकाल रहे हैं, लैम्डा क्या होती है, तरंग धैर्य, और तरंग धैर्य का मात्रक मीटर। तो जो हमारी तरंग धैर्य निकल के आई इस विद्युत चुंबकीय तरंग की, वह निकल के आई 1.5×10^-2 मीटर के बराबर होती है। तो ए पार्ट हमारा हो गया, अब हम देखते हैं बी पार्ट में क्या कहता है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। तो आयाम का अर्थ होता है E0, इसे हम विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को B0 से प्रदर्शित करते हैं। आयाम का अर्थ होता है अधिकतम मान, तो आयाम हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या क्या दे दिया है, हमें दे दिया है, हमें E0 का मान तो दे ही रखा है ना, इसने कहा दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब हमें B0 का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे दिया, E0 का मान दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं E0 बटे B0 किसके बराबर होता है, C के बराबर। तो हमें B0 का मान निकालना है, B0 का मान, तो ये हो जाएगा E0 बटे C के बराबर हो जाएगा। तो मान रखेंगे तो ये हो गया B0 बराबर, E0 का मान कितना है 48 बटे, नीचे क्या आ गया C, C का मान हम जानते हैं 3×10^8, 3 से काटेंगे तो ये हो गया 16×10^-8, और मात्रा किसका हम जानते हैं वोल्ट पर मीटर के ही बराबर होता है। और यदि इसको इस प्रकार से 1 इधर रखें तो ये 1.6×10^-7 वोल्ट पर मीटर भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ गया। अब हम आगे समझते हैं, अगला हमारा पार्ट है, ये कहते हैं यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो देखिए जो औसत ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है यू, इसे बार से प्रदर्शित करते हैं, और यह बराबर हमारा होता है 1/2, यदि हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तो इसे यू ई से प्रदर्शित कर देते हैं, और यह हमारा हो जाता है ε0, और साथ में होता है हमारा E2, और इसका क्या निकालते हैं माध्य। आपको ध्यान हो तो हमने एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण था वो होता है E = E0 sin kx - ωt, यह हमारा मान होता है। जब हम इसका वर्ग करेंगे यानी कि E2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा E0 का भी स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin²kx - ωt आ जाएगा। तो E0 का अब वर्ग यदि निकालें तो हम कहेंगे E2 का वर्ग बराबर E0 के स्क्वायर का भी वर्ग, और मतलब माध्य E2 का माध्य निकालें तो E02 का भी माध्य आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा sin²kx - ωt का भी माध्य। तो E02 का माध्य तो E0 ही आएगा, क्योंकि ये तो अधिकतम मान है ना, आयाम है, ये तो इतना ही रहेगा। और यह हमने आपको ध्यान हो तो हमने LCR सर्किट में कैलकुलेट किया था कि साइन स्क्वायर और थीटा का यदि वैल्यू निकालें पूरे एक चक्र के लिए तो यह औसत मान हमारा निकल के आता है 1/2। तो E2 का हमारा मान यदि यहां पर रख दें तो हम लिखेंगे इसलिए UE का औसत मान जो ऊर्जा घनत्व निकल रहा है वो होगा 1/2 ε0 × ये स्क्वायर होगा, तो ये हो गया E2 × क्या आ गया 1/2। तो मान हमारा कितना निकल के आ गया, ये आ गया 1/4, और साथ में हो गया ε0 × E2 के बराबर आ गया। यह हमारा किसका मान निकल के आया, यह हमारा मान निकल के आया है वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का मान। ठीक इसी प्रकार से जब हम चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा निकालते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा होती है UB,
इसका बार बराबर होगा 1/2, उसमें आता है म्यू नॉट नीचे आ जाता है और साथ में बी स्क्वायर बार ऐसा आता है। फिर वही प्रोसेस इसी की तरह चलेगा, क्योंकि बी बराबर होता है बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यदि इसका भी स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा बी जीरो स्क्वायर बी ओ स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर और के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब आप देखिए कि इसका हम माध्य निकाल रहे हैं बी स्क्वायर का माध्य, तो ये भी क्या हो जाएगा बी जीरो स्क्वायर का माध्य और साथ में साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का भी क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। तो हमने कहा ये तो आ गया बी स्क्वायर और इसका मान क्या आ गया बी जीरो स्क्वायर का माध्य तो इतना ही आएगा, और हमने कहा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का मान क्या होता है 1/2। तो ये बी स्क्वायर का मान यदि यहां रखें तो यू बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा माध्य का 1/2 साथ में म्यू जीरो, और बी स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया बी जीरो स्क्वायर गुणा 1/2। तो यू बी स्क्वायर का मान माध्य का मान बराबर आ गया 1/4 और साथ में हमारा क्या आ गया बी जीरो स्क्वायर और नीचे हमारा क्या आ गया म्यू जीरो। तो यह तो हमने इनके अलग अलग मान ज्ञात कर लिए, यू ई का मान माध्य मान इतना हो गया, ये हमारा ऊर्जा का मान है तो ये माध्य स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो हमने यू ई का मान और यू बी का मान दोनों मान ज्ञात कर लिए। अब हमें यह बताना है कि यह औसत ऊर्जा जो है ई क्षेत्र की औसत ऊर्जा बी क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होगी, तो हमें इन्हें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि यू ई बराबर होगा यू बी के। तो चलो यू ई से ही शुरू करते हैं, हम करते हैं, चलिए यहीं पर करते हैं, यू ई बार बराबर है 1/4 साथ में है एप्सिलॉन जीरो और साथ में है ई, ये ई जीरो है, ई जीरो ये भी ई जीरो है, ये भी जीरो, ई जीरो स्क्वायर आया था ना यहां पर, यही रखेंगे तो साथ में आ गया ई जीरो स्क्वायर। अब हम ई जीरो का मान रखते हैं, हम जानते हैं चूंकि हमने यहां पर सूत्र इस्तेमाल किया ई जीरो बटे बी जीरो बराबर होता है सी के, तो इसे ही रखेंगे यहां पर, हम लिखते हैं ई जीरो बराबर होता है बी जीरो इंटू सी के बराबर हो गया। इस सूत्र से ई जीरो बराबर बी जीरो की यहां गुणा होगी तो सी गुणा बी जीरो हो गया। यदि यह मान इस समीकरण में रखें तो यू ई औसत मान बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो और ई जीरो का मान क्या आ गया बी जीरो स्क्वायर और साथ में आ गया सी स्क्वायर, यह मान आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं सी बराबर तो होता है 1/√ म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, यह भी हमने जब यह चैप्टर करा था तो वहां पर यह बात बताई थी। तो सी का मान यदि यहां पर यह रखें, क्योंकि यह क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया, तो इससे यह अंडर रूट हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यू ई का औसत मान, यू ई का औसत मान बराबर 1/4 तो ऐसा का ऐसे ही है, एप्सिलॉन जीरो भी ऐसे का ऐसा आ गया, बी जीरो स्क्वायर भी ऐसा आ गया, सी स्क्वायर का मान आ गया किसके बराबर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो के बराबर। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कट गया, तो क्या आ गया यू यू ई बार बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो तो कट गया तो क्या बच गया बी जीरो स्क्वायर अपॉन क्या आ गया म्यू जीरो। और आप ये देखिए ये पूरा का पूरा पद किसके बराबर है यू बी, यानी कि हम जिसे कहते हैं कि औसत ऊर्जा है किसकी चुंबकीय क्षेत्र की, ये इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यू ई बार बराबर हो गया यू बी बार के। इसका अर्थ है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र की जो औसत ऊर्जा घनत्व होता है वो बराबर होता है उसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर। तो यहां से हम इसे क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, जहां हमने पहले प्रश्न में तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ली जो कि हमारी 1.5×10⁻²⁻² मीटर आई। दूसरे प्रश्न में दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का हमने आयाम ज्ञात किया जो कि हमारा 1.6×10⁻⁷ टेस्ला के बराबर आई। यहाँ मात्रक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसे चेक करके सही कर लेना, ये है हमारा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है हम जानते हैं। और तीसरा हमने
यह सिद्ध करा कि ई क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर। तो यह तो हमने प्रूफ ही कर दिया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को हल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि हमने जब चैप्टर करा था तो इसके चैप्टर की थ्योरी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर ली थी, और इसके न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इसके हम कह सकते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं थे पिछले एसी चैप्टर की तुलना में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी आसान चैप्टर है ये, तो मुझे लगता है आपकी समझ में आसानी से आ भी गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।